नमस्कार, HD न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर की गतिविधियों में आज क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक स्तर पर दूल्हा दुल्हन तय करने में परिचय सम्मेलन मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। रविवार को राजपूत परिषद इंदौर जिला द्वारा स्काउट ग्राउंड चिमनबाग पर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजपूत परिषद इंदौर जिले के अध्यक्ष ठाकुर राम सिंह दीक्षित ने बताया कि 13वें निःशुल्क परिचय सम्मेलन के लिए मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर से समाजजन पहुंचे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, अध्यक्ष श्री रमेश मेंदोला, राजपूत समाजजन गुजरात की संगठन मंत्री आरती अमित सिंह ठाकुर एवं राजपूत समाज की सूरत जिला अध्यक्ष अर्चना बनाल सिंह ठाकुर व श्री राम प्रताप सिंह गौतम ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान अतिथियों ने पुस्तिका परिणय सेतु का विमोचन भी किया। ठाकुर उनका भी स्वागत करें। राजपूत परिषद की ओर से एवं क्षत्रिय राजपूत समाज विदिशा से आप हमारे बीच पधारे भाई रूप सिंह जी राजपूत, उनकी ओर से आदरणीय बिलास जी एवं श्री रमेश मेंदोला जी को और जब ये परिचय गणतंत्र दिवस का दूसरा दिन है और इसलिए मैं इस गणतंत्र की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राम सिंह जी हर वर्ष ये आयोजन करते हैं और उनका आग्रह रहता है कि आप मेरे कार्यक्रम में जरूर आना, तो मैंने भी अपना कार्यक्रम आज ही रखा है साइकिल का। मैंने कहा मैं अपने कार्यक्रम में जाऊँगा तो राम सिंह जी कार्यक्रम में पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि इंदौर मेरा रहना आजकल कम होता है। तो राम सिंह जी का स्नेह और प्यार बहुत है, बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, तो वो कहे कि आपको तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारी साइकिल जो डे हम मनाते हैं वो हम आज ही मनाएंगे। तो मैं सीधा 13 किलोमीटर साइकिल चलाकर और यहाँ आ गया कि 11 बजे चंदू नेता ने हमको आदेश दिया आने का, यहाँ मैं यहाँ आ गया। परिचय सम्मेलन के लिए 1050 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। इस दौरान अनेक रिश्ते भी तय हुए। राजपूत परिषद के जिलाध्यक्ष ठाकुर राम सिंह दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम के पश्चात समाजजनों के लिए निशुल्क भोजन व्यवस्था एवं बाहर से आए समाजजनों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। नहीं, ये बहुत अच्छा आयोजन होता है, हर वर्ष होता है। राम सिंह जी इसका नेतृत्व करते हैं और पूरे देश से राजपूत समाज के लोग आते हैं और निःशुल्क आयोजन यह होता है। मैं कोशिश करता हूँ हर वर्ष यहाँ पर पहुँचूँ, तो आज यहाँ पर आकर बहुत आनंदित हुआ है। आज तो चूँकि ठंड के कारण थोड़ी सी उपस्थिति कम है, नहीं तो हमेशा हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और इस परिचय सम्मेलन से लाभ लेकर अपने बच्चों के, अपने बच्चियों के विवाह का एक मार्ग उनको यहाँ से प्राप्त हो जाता है और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तन जी का बयान आया है कि कैलाश जी अगर इंदौर से चुनाव लड़ते तो मैं सपोर्ट करूंगा, नहीं तो ताई का विरोध करूंगा। और आज राजपूत परिषद ने भी आपका समर्थन किया कि आप चुनाव लड़ेंगे तो नहीं, राजपूत समाज देखिए राजपूत समाज भी साथ में है, पर मैं अभी बंगाल देख रहा हूँ और बंगाल में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हम बंगाल में इस बार बहुत अच्छे तरीके से सीटें लाना चाहते हैं, इसलिए पार्टी ने मुझे वहाँ की जवाबदारी दी है। तो अभी तो वहीं लगा हुआ हूँ, पर अगर पार्टी आदेश देगी तो फिर आप लोगों की सेवा में भी आ सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1050 प्रविष्टियाँ फॉर्म जमा हुए हैं, जिसमें 400 लड़कियों के थे और 550 लड़कों के थे। ये कौन सा वर्ष है आपने? ये 13वां साल है कार्यक्रम करते हुए, परिचय सम्मेलन वगैरह 13वां वर्ष है। ये युवा युवती मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, 4-5 प्रांत से सब लोग आते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? नहीं, उद्देश्य रहता है परिवार को परिवार से मिलाना, समाज का जब इकट्ठा होता है एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे के रिश्ते होते हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, पड़ोस में रहने के कारण भी ये ठाकुर है। यहाँ आने के बाद में क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है तो वो रिश्ते तय हो जाते हैं और बातचीत होती है कि ये परिवार के लोग हैं, क्योंकि सब सरकारी नौकरी और काम धंधे में इतने बिजी रहते हैं कि एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, ना बातचीत होती है। तो यहाँ आने के बाद सबकी बातचीत होती है और रिश्ते तय हो जाते हैं सब। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।